बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान होने वाली 4 T20 मैचेस की सीरीज़ के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए चेयरमैन जनाब रमीज राजा ने बड़े खिलाड़ियों की पाकिस्तान टीम में वापसी करवा दी है और पाकिस्तान के फाइनल 16 रुकनी स्क्वाड का भी ऐलान कर दिया है। पहला T20 मैच कब खेला जाएगा, मुकम्मल तफसीलात आपके साथ आज की इस वीडियो में शेयर करेंगे, तो इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। उससे पहले अगर आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फैंस हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर मेंशन करें। सबसे पहले पाकिस्तान इंग्लैंड पहले T20 मैच के टाइम टेबल की बात करें तो पहला T20 मैच 22 मई को पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात के 10:30 पर लाहौर में खेला जाएगा। अगर पाकिस्तान टीम में तब्दीलियों की बात करें तो शर्जील खान, मोहम्मद हारिस, शुएब मलिक, हैदर अली, आसिफ अली, नसीम शाह, शादाब खान और एहसानुल्लाह की पाकिस्तान टीम में वापसी करवा दी है रमीज राजा ने। और उसके साथ अगर पाकिस्तान के बाकी स्क्वाड की बात करें तो शेन शाफरीदी होंगे, जमान खान, फ़खर जमान, मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, साइम अयूब, इफ्तिखार अहमद, मोहम्मद नवाज पाकिस्तान के फाइनल स्क्वाड का हिस्सा होंगे। आपने कॉमेंट्स में ये बताना है कि क्या ये स्क्वाड ठीक है या इसमें कोई तब्दीली और भी होनी चाहिए थी, क्योंकि पाकिस्तान टीम ने जिस तरह परफॉर्मेंस इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ की है तो पाकिस्तान का स्क्वाड तो यकीनन तब्दील करना चाहिए। अपनी राय के इजहार इस हवाले से कमेंट्स में मिलते हैं। नई वीडियो में लाभ।